এই ভিসা নীতির উত্তরে বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছেন যে আমেরিকার দাদাগিরি তার দেশে চলবে না, বাংলাদেশ আমেরিকাকে পরোয়া করে চলে না, তখন রীতিমতো ক্রোধী আমেরিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মাঠে তাদের এজেন্সিকে নামিয়ে দিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম নাজরীন, মই হুঁ এহসান খান, মই হুঁ আলী মুর্তজা, আপ দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়াকশন উইথ এহসান। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूवर्स, इंडियन मीडिया के एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे वो तज़ियाकार हैं वेस्ट बंगाल के। वो बात कर रहे हैं जो अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और वो बात कर रहे हैं कि जो वो सैंक्शंस लगा रहा है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के ऊपर, वो बहाने बना रहा है और कह रहा है कि देखें बांग्लादेश में ठीक से जो जमहूरियत है ही नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की जाती है। अच्छा, जो ये जर्नलिस्ट हैं जो वेस्ट बंगाल के उसके ऊपर बात कर रहे हैं वो डीपली बता रहे हैं, और मुझे तो ये एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने चाहा क्यों ना इसके ऊपर हम बात करें, हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। देखिए, वो जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना वो बहुत ही अलग है, मुनफरिद है, शानदार है, ज़बरदस्त है, और वो बता रहे हैं कि देखें ये जो अमेरिका है वो रजीम चेंज करता आया है, इसकी हिस्ट्री है, ये उसकी ताज़ा मिसाल जो लेटेस्ट है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को घर भेज दिया, शहबाज शरीफ को ले आए। बिल्कुल, जो उनकी बात नहीं मानता, जो उनके खिलाफ बात करता है, जो उनके हक में नहीं बोलता अमेरिका के, वो उनको, वो उस शख्स को, उस चाहे वो जितना भी वो पॉपुलर लीडर हो अपनी कंट्री का, उसे वो उठा के बाहर फेंक देता है और अपनी मर्जी का लीडर जो है वेस्ट बंगाल मीडिया ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी का लीडर जो है वो शहबाज शरीफ वहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, और जबकि इमरान खान को इक्तदार से बाहर निकाल दिया। अच्छा, दो से तीन बड़े अहम पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं, उठाए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। उन्होंने कहा है कि CIA जिस तरह पाकिस्तान की ISI है और इंडिया की रॉ है, इसी तरह जो अमेरिका ने अपनी CIA इंटेलिजेंस एजेंसी को पीछे छोड़ दिया है शेख हसीना के, और उन्होंने अपने एजेंट्स भेजना शुरू कर दिए हैं, और अमेरिका की जो एम्बेसी है इन ढाका वो भी ओपनली मुलाकात कर रही हैं ओपोजिशन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान के साथ, उनके लीडर्स के साथ, और ये भी बताया जा रहा है कि एक साजिश रजीम चेंज की ओपनली रचाई जा रही है, क्योंकि वो अमेरिका चौधरी है, उसको किसी का डर खौफ नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी फुली एक्टिव हो चुकी हैं, उनके एजेंट्स आ गए हैं, और मजीद आपको बताएंगे कि जनाब वो किस तरह की हुकूमत अपने पपट हुकूमत चाहता है, यानी वो चाहता है कि मेरे आलाकार बनकर काम किया जाए। अच्छा, वो मजीद अब क्या कह रहे हैं, पहले वीडियो देखते हैं। जी हाँ, हम वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम मजीद अपनी जो एनालिसिस है वो आपको देंगे, मजीद हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। पहले वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। जय हिंद, जय भारत। डियर व्यूअर्स, अपना जेने थाकबेन जे रिसेंटलि दक्षिण पूर्व एशियार एकेर पर एक देशे गणतान्त्रिक सरकार के फेले दिए निजेदेर पछंद मतो पुतुल सरकार के बसानो चक्रांत करछे आमेरिका। आमरा जानि जे किछुदिन आगे पाकिस्तानेर इमरान खानेर नेतृत्वाधीन गणतान्त्रिक सरकार के रीतिमतो चक्रांत करे फेले दिए सेखाने पाकिस्तानेर सेनार मददपुष्ट एकटा पुतुल सरकार के बसिए रेखेछे आमेरिका। আর এখন এই একই চক্রান্ত শুরু করেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরেকটা স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে। হ্যাঁ, সেই বাংলাদেশ আমেরিকা কখনো চায়নি যে দেশটা পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হোক। সেই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরও আমেরিকা চেয়েছিল যে এই দেশটা পাকিস্তানের সঙ্গে আবার মিশে যাক। সেই বাংলাদেশের কথা বলছি যাকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রায় সবকটা দেশ স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়ার অনেক পরে, অনেক গড়িমসি পর, ছ মাস পরে গিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল আমেরিকা। বাংলাদেশের জন্মের দিন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশকে কিন্তু অপছন্দই করে আমেরিকা। তবে গত 15 বছরে সবচেয়ে বেশি অপছন্দের কারণ হয়েছে, তার কারণ বাংলাদেশ আমেরিকার ছায়াতল থেকে বেরিয়ে নিজের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি তৈরি করে ফেলেছে।
আমেরিকার পোষা ময়না না থেকে গত 15 বছরে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য পরাশক্তি যেমন রাশিয়া, চায়না এবং ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। দোষ এটাই যে গত 15 বছরে এই দেশটা এমনভাবে উন্নতি করেছে যে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই দেশটাকে অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত করবে আগামী 2024-এ। আর এজন্যই আমেরিকা চক্রান্ত করছে যাতে বাংলাদেশ থেকে গণতান্ত্রিক সরকারকে ছলে বলে কলে কৌশলে ফেলে দিয়ে পাকিস্তানের মতো একটা পুতুল সরকারকে বসিয়ে দেওয়া যায়। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকা বাংলাদেশের সঙ্গে কিন্তু তাল ঠুকাঠুকি করেই যাচ্ছিল, আর এখন রীতিমতো তেড়ে ফুড়ে নেমেছে যাতে বাংলাদেশের স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। রিসেন্টলি আমেরিকা বাংলাদেশের জন্য এমন ভিসা নীতি এনেছে যেখানে অনৈতিকভাবে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতা মন্ত্রীরা আমেরিকার ভিসা পাবে না। কারণ হিসাবে আমেরিকা বাংলাদেশের গণতন্ত্র আর মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও এই ভিসা নীতির উত্তরে বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছেন যে আমেরিকার দাদাগিরি তার দেশে চলবে না, বাংলাদেশ আমেরিকাকে পরোয়া করে চলে না, তখন রীতিমতো ক্রোধী আমেরিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মাঠে তাদের এজেন্সিকে নামিয়ে দিয়েছে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে একের পর এক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা CIA একের পর এক বৈঠক করতে শুরু করেছে। উদ্দেশ্য কিন্তু খুব পরিষ্কার, পাকিস্তানের মতো একইভাবে বাংলাদেশ থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিয়ে সেখানে ইচ্ছে মতো আমেরিকার পছন্দ মতো পুতুল সরকার। আপনি দেখা কি ওয়েস্ট বেঙ্গল কে এক অ্যানালিস্ট জো হ্যায় ও অ্যানালিসিস দে রহে থে ইসকে উপর কিস তরহ সে ও বাতা রহে আর আচ্ছা ইসমে এক অর ভি জো ইম্পর্টেন্ট চিজ হ্যায় ও ইয়ে হ্যায় কি দেখিয়ে আগর জিস তরহ সে উন্হোনে পাকিস্তান মে রেজিম চেঞ্জ তো কর দিয়া হ্যায় আমেরিকা নে, লেকিন বাংলাদেশ মে ইতনা জো হ্যায় আসান নহীং হ্যায় রেজিম চেঞ্জ করনা। শেখ হাসিনা কি পপুলারিটি আর উনকা জো ইন্টেলিজেন্স হ্যায় ও বহুত হি ইন্টেলিজেন্ট হ্যায় জো আপনে দিমাগ সে সব কুছ হিলা কে রখ দেতি হ্যায়। আপনি বাত কো মে ইস তরহ আগে বাড়ানা চাহতা হুম, क्योंकि उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है ना जी, वो उनके साथ मिली हुई है और वहाँ पर रेजिम चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसकी एक और वजह भी ये है कि वहाँ पर जो मोस्टली 70-80% है वो लोग उसके साथ खड़े हुए हैं हसीना के साथ, बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पर रेजिम चेंज करना अमेरिका को बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं बल्कि अगर वो कर, नहीं हो सकता। अगर वो कामयाब हो जाते हैं फिर सैन मार्टिन टापू लेना उनके लिए फिर से मुश्किल हो जाएगा। ये मैं किसी दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा किस तरह से वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो जिस तरह से वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जमात इस्लामी है या BNP है, तो वो देखें वो जमातें ठीक है लेकिन वो इस्लाम पसंद भी हैं, तो मेरे ख्याल में वो इतनी सेकुलर जमातें नहीं है जितनी जनाब ये शेख हसीना की अवामी लीग है। अच्छा वो ये सूट करती है ज्यादा इंडिया को, तो इंडिया इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाता है, बिल्कुल जिस तरह ये कहते हैं तकरीबन वो उनकी बातें मान भी लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिया भी अब काफी मुझे लगता है कि परेशान है। जिस तरह से डे बाय डे जब अमेरिका जो है बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर को बढ़ा रहा है ना, तब से इंडिया भी बहुत ज्यादा अपसेट है और इंडिया को भी इससे बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इंडिया के भी हालात खराब हो सकते हैं अगर बांग्लादेश में कोई इस तरह का जो है वो इंसिडेंट होता है तो। आपका इस असल में ना रजीम चेंज ये तो भाई करता आया अमेरिका बिल्कुल बिल्कुल, और अब फिर वो तैयारी कर रहा है और ओपोजिशन को लॉलीपॉप दे रहा है, उन्हें कह रहा है कि ठीक है भाई हम आपके साथ हैं आप अपनी कार्रवाई डालें, लोगों को खरीदेगा, एजेंट्स आ रहे हैं, CIA मुतहर्रिक हो चुकी है, एक्टिव कहीं भी खुशहाली देख के कहीं भी लोग खुशहाल हैं, खुशी से रहते हैं, मतलब कोई किसी किस्म की उन्हें परेशानी नहीं है, तो वो अमेरिका से बिल्कुल भी इजाजत नहीं होता जी। इजाजत लेते हैं अपने व्यूअर्स, हमें इजाजत दीजिएगा, आपका क्या कहना है इस बारे में वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।